अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश ना रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों की मौजूदगी में भारत ने अपनी सीमाओं की रखवाली के लिए योद्धाओं की एक जोड़ी तैयार की है, जिसे सैन्य सुरक्षा के लिहाज से जोड़ी नंबर वन कहा जा रहा है। आज आपको बताएंगे इसकी खासियत। चीन पर भारत एक बार फिर भारी पड़ गया, वायु शक्ति में भारत की बढ़त से पिछड़ गया चीन, बताएंगे कैसे। और डूबते को तिनके का सहारा वाली कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन उत्तराखंड की एक उपंती नदी में फंसे लोगों को देवदूतों ने किस तरीके से बचाया और कैसे वो उनका सहारा बने, ये भी बताएंगे। लेकिन पहले 100 खबरें। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर एमएचए की बैठक में बड़ा फैसला, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तैनात होगी सुरक्षा बलों की 120 कंपनियां। गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई अमरनाथ यात्रा पर रिव्यू मीटिंग, बैठक में सीआरपीएफ, एनआईए, बीएसएफ, आईबी के डीजी के साथ बीआरओ और टेलीकॉम मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए। आतंकियों की किसी भी तरह की साजिश को नाकाम करने के लिए यात्रा रूट पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरास और ड्रोन, साथ ही एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की तैयारी। यात्रा रूट के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में स्नाइपर्स तैनात किए जाएंगे। यात्रा रूट पर आईडी के खतरे को देखते हुए बढ़ाई जाएगी बीटीडी टीम की संख्या। यात्रा में इस्तेमाल होने वाले यात्रियों और सुरक्षा बलों की गाड़ियों पर भी होगा आरएफआईडी टैग, साथ ही श्रद्धालुओं के लिए खास बारकोड से मिलेगी उनकी लोकेशन की जानकारी। जम्मू कश्मीर में जारी आतंक पर प्रहार, कश्मीर आईजीपी ने दी जानकारी, 11 मई को सिलेंदर के जंगलों से भागे दो आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा, पाकिस्तान से घुसपैठ कर आए लश्कर के ये दोनों आतंकी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर। मोहाली लाया गया पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के दफ्तर पर हुए हमले के मामले में मुख्य आरोपी निशांत सिंह, लगातार पूछताछ जारी। मोहाली ब्लास्ट मामले में पंजाब डीजीपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस मामले में अब तक 6 गिरफ्तारी हो चुकी है, कनाडा में है इस मामले का मास्टरमाइंड। जिसने सारा कुछ लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइज की है वो हैगा लखबीर सिंह लांडा। लांडा ये गैंगस्टर होता सी और 2017 दे विच कनाडा शिफ्ट कर गया सी। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या की जांच के लिए एसआईटी गठित, पीड़ित परिवार की मदद के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उठाए कदम, पत्नी को मिलेगी नौकरी, बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार। जम्मू कश्मीर के बडगांव में राजस्व अधिकारी राहुल भट्ट की हत्या के बाद गुस्साए लोगों का प्रदर्शन, प्रदर्शन कर रहे लोगों को सुरक्षा बलों ने की रोकने की कोशिश, सुरक्षा बलों ने छोड़े आंसू गैस के गोले, पत्थरबाजी भी हुई। प्रदर्शनकारी राहुल भट्ट को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को सुरक्षा देने की भी मांग। बडगाम में चाडोरा इलाके में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन, सड़क पर राहुल भट्ट की तस्वीर रखकर न्याय की मांग। कल बडगाम में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी, तहसीलदार ऑफिस में ही हुई थी हत्या। तहसीलदार ऑफिस में काम करते थे राहुल भट्ट, कश्मीर टाइगर्स नाम के संगठन ने ली हमले की जिम्मेदारी। बडगाम में राहुल भट्ट का किया गया अंतिम संस्कार, बड़ी संख्या में पहुंचे कश्मीरी पंडित। पुलवामा में कांस्टेबल रेंज के एसपीओ रियाज अहमद ठोकर को आतंकियों ने मारी गोली, इलाज के दौरान मौत। अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी ने शुरू करेगी परिवर्तन रैली, मंदिरों में दर्शन के साथ ही होगी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। वाराणसी के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जंगलबाड़ी में पट्टाभिषेक कार्यक्रम में हुए शामिल। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी ने आज बीजेपी पदाधिकारियों के साथ भी की बैठक, देर शाम डीएवीपीजी कॉलेज के अमृत महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ होगी प्रधानमंत्री की बैठक, 16 मई को नेपाल यात्रा से आने के बाद होगी मुलाकात। यूपी में नई सरकार के गठन के बाद पहली बार सभी मंत्रियों से होगी प्रधानमंत्री की मुलाकात, सरकार की प्राथमिकताओं तथा सुशासन के बारे में प्रधानमंत्री मोदी मंत्रियों को देंगे टिप्स। यूपी के नए डीजीपी बने डीएस चौहान, 1988 बैच के ऑफिसर हैं डीएस चौहान।
ज्ञानवापी मस्जिद में कल से शुरू होगा सर्वे। दोनों पक्षों के साथ मीटिंग के बाद डीएम ने किया ऐलान। बैठक में पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी, सीआरपीएफ के कमांडेंट रहे मौजूद। बैठक में शहर मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी भी रहे मौजूद। मीटिंग के बाद डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि कल से एडवोकेट कोर्ट कमिश्नर द्वारा कमीशन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सब सुशांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है क्योंकि सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बिना कागज देखे कोई भी स्टे लगाने से इनकार। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद वाराणसी में इसकी तैयारी शुरू। प्रशासन नहीं छोड़ना चाहता कोई कसर। सर्वे पर कोर्ट के आदेश के बाद जुम्मे की नमाज के लिए ज्ञानवापी मस्जिद में आज भारी तादाद में नमाजी जुटे। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद के बीच अल हजरत के प्रचारक मौलाना साबुद्दीन का आया विवादित बयान। बोले, इस बार मुसलमान चुप नहीं बैठेगा, आंदोलन होगा। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुख्य पक्षकार की अर्जी को कोर्ट ने किया मंजूर। कोर्ट 1 जुलाई को करेंगी सुनवाई। ज्ञानवापी की तरह अधिवक्ता कमीशन नियुक्त कर सर्वे की वीडियोग्राफी करने की गई मांग। सर्वे की मांग का सचिव श्री कृष्ण जन्मस्थान ने किया स्वागत, कहा सत्य को सामने लाने के लिए सर्वे जरूरी। 14 मई को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे करेंगे विशाल जनसभा को संबोधित। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में होगी रैली। विशाल जनसभा के लिए लगभग 1.5 लाख लोगों के बैठने की होगी व्यवस्था। हर तरफ लगाई जाएंगी कुल 32 एलईडी स्क्रीन्स। सीएम उद्धव ठाकरे समेत उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी होंगे इस जनसभा में शामिल। मुंबई, ठाणे समेत कई शहरों से सैकड़ों बसें भरकर आएंगी शिवसेना। औरंगाबाद में हुई राज ठाकरे की रैली के जवाब में की जा रही है जनसभा। राज ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस समेत महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार भी होगी निशाने पर। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे की तारीख में हो सकता है बदलाव। राज्यसभा के लिए महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों पर होना है मतदान। कल नई तारीख का ऐलान। उदयपुर में शुरू हुआ कांग्रेस का चिंतन शिविर। सोनिया, राहुल, प्रियंका, सीएम गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बड़े दिग्गज शामिल। सोनिया गांधी ने चिंतन शिविर का उद्घाटन किया। सोनिया ने कहा देश का संविधान खतरे में। सोनिया गांधी ने कहा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, हमें संघर्ष करना चाहिए। चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए बोले सीएम अशोक गहलोत, हम लोग काम करते हैं, मार्केटिंग नहीं। हमारी खाली कमजोरी है कि हम काम करते हैं, मार्केटिंग नहीं करते हैं। और ये इतने झूठे फरे भी लोग हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। चिंतन शिविर के लिए आज सुबह ट्रेन से उदयपुर पहुंचे राहुल गांधी। कार्यकर्ताओं को पसंद आई राहुल की सादगी। उदयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया राहुल का स्वागत। रेलवे स्टेशन से बस में सवार होकर राहुल निकले। पार्टी कार्यकर्ताओं ने राहुल जिंदाबाद के नारे लगाए। प्रियंका गांधी भी उदयपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर हुआ प्रियंका का स्वागत। उदयपुर में 3 दिनों तक चलेगा चिंतन शिविर, बनेगी जीत की रणनीति। आपदा आयुक्त अमानतुल्लाह खान को साकेत कोर्ट से मिली जमानत, कल पुलिस ने किया था गिरफ्तार। दिल्ली में हो रहे अतिक्रमण अभियान का विरोध करने वाले आप विधायक अमानतुल्लाह खान की कल हुई गिरफ्तारी पर सियासत तेज। अपने विधायक के समर्थन में आई आम आदमी पार्टी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी बुलडोजर के जरिए दिल्ली को बर्बाद करने में तुली है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस ने बैड कैरेक्टर घोषित किया। जामिया नगर के SHO ने 28 मार्च को ही दिया था प्रस्ताव। आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ 18 आपराधिक मामले दर्ज, जिनमें दंगा करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। दिल्ली में आज भी जारी अतिक्रमण पर बुलडोजर की मुहिम। श्यामनगर और विष्णु गार्डन इलाके में चला बुलडोजर। दिल्ली में बादली मेट्रो स्टेशन के पास चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़क किनारे बनी झोपड़ी और दुकानों को हटाया गया। मुंबई में दाऊद के ठिकानों पर NIA की छापामारी। NIA ने 2 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। 59 साल के आरोप अबू बकर शेख और 51 साल के शब्बीर शेख को NIA ने गिरफ्तार किया। इंटरपोल ने छोटा शकील के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। पाकिस्तान से भारत में क्रिमिनल गतिविधि चला रहा है छोटा शकील। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने
रोड शो किया, सड़क पर दिखी समर्थकों की भीड़। नड्डा ने कांग्रेस पर किया वार, बोले कांग्रेस ने में नहीं जनता के बीच जाने की हिम्मत, फिर किया दावा मोदी और जयराम के नेतृत्व में फिर बनेगी प्रदेश में सरकार। कांग्रेस में हिम्मत ही नहीं है कि वो जनता के सामने जाकर छाती ठोक के बोले कि हमने जो कहा था वो किया है। ये हिम्मत है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। उन्नाव के मदरसों में गूंजने लगा राष्ट्रगान, छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के साथ राष्ट्रगान गाया। रामपुर में देश के पहले अमृत सरोवर का हुआ उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अमृत सरोवर में लिया नौकायन का मजा। गर्मी की मार झेल रहे लोगों के लिए आई राहत भरी खबर, मौसम विभाग के मुताबिक इस बार समय से पहले दस्तक दे सकता है मानसून। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक इस बार 10 दिन पहले मानसून आने की संभावना, 22 मई को केरल तट पर आएगा मानसून, वहीं बंगाल की खाड़ी में 15 मई को बढ़ेगा मानसून। गुवाहाटी में बारिश से जनजीवन बेहाल, सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी। उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप, गुरुग्राम में 43 डिग्री पार पहुंचा तापमान। मुरादाबाद में भी बढ़ती गर्मी से बेहाल लोग जलती धूप से बचने के लिए कर रहे हैं अलग अलग इंतजाम, बारिश से पहले धूप के बचाव में निकले छाते। चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अपील, स्वस्थ ना हो तो यात्रा से बचें, कुछ समय के लिए टाल दें यात्रा। छपरा में यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की, अपनी आगे की पढ़ाई के बारे में सीएम को संबोधित करते हुए दिया ज्ञापन। सिरसा में युवाओं ने निकाला रोष मार्च, सेना में बंद पड़ी भर्ती खोलने की मांग को लेकर निकाला गया मार्च। खरगोन हिंसा में घायल हुए शिवम के स्वास्थ्य में सुधार, 32 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी। जलती गर्मी में से खेतों में खड़ी फसल को हो रहा नुकसान, अकोला अमरावती के में मार्च महीने से लगातार 40 डिग्री के ऊपर तापमान के कारण धूप से जल रही है फसलें। कोयम्बटूर में दृष्टिहीन लोग कर रहे हैं दर्जी का काम, दृष्टिहीन लोगों को सिलाई कढ़ाई करने की दी गई है ट्रेनिंग। गुजरात के पाटन में शादी में दलित के घोड़ी चढ़ने पर असामाजिक तत्वों ने की पत्थरबाजी, पुलिस सुरक्षा में हुई शादी। बिहार के गया में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष लाचो देवी के घर पर छापामारी, 46 पुड़िया स्मैक सहित 7500 रुपए बरामद किए गए, पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तरकाशी में मनेरी डैम के पास टापू पर फंसे मजदूर, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस ने रेस्क्यू किया। हाथरस जिले के डीएम रमेश रंजन की फोटो लगाकर व्हाट्सएप चैट करने वाला युवक गिरफ्तार। जोधपुर में जूनियर इंजीनियर 40,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर एसीबी ने कार्रवाई की। यूपी के बलरामपुर में गैंगस्टर रिजवान जहीर की संपत्ति को किया गया कुर्क, 3,26,00,000 की संपत्ति कुर्क। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में भारी मात्रा में देसी बम बरामद, 2 हथियारों के साथ एक गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर, एक बदमाश गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बडगाम में युवाओं को दिया जा रहा है मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, खेल के प्रति युवाओं के रुझान को बढ़ावा। देवबंद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ईदगाह के पास खाली पड़े भट्टे से हथियारों का जखीरा बरामद। हरदोई में घर के बाहर खड़ी बाइक लेकर चोर फरार, चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद, चोर की तलाश में जुटी पुलिस। फतेहाबाद में 50,00,000 रुपए कीमत की हेरोइन के साथ बाइक सवार गिरफ्तार, दिल्ली से लेकर आया था हेरोइन। रणथंभौर में बड़ा हादसा होते होते बचा, पाक भ्रमण के दौरान 4 जिप्सियों ने बाघ की घेराबंदी की, बाघ ने लगाई जिप्सियों के पीछे दौड़, वीडियो वायरल। सिलीगुड़ी के सलबारी रहायशी इलाके में घुसा हाथी, वीडियो वायरल। देश में 24 घंटे में 2,841 नए कोरोना के मामले, पिछले दिन के मुकाबले 0.5% ज्यादा केस। देश में कुल कोरोना केस के ज्यादातर मामले 5 राज्यों में, दिल्ली में 1,032, केरल में 413 केस, हरियाणा में 354 केस, महाराष्ट्र में 231 केस और यूपी में 204 मामले। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 98.74%, 24 घंटे में 3,295 कोरोना मरीज हुए ठीक। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 18,604, पिछले 24 घंटे में 463 एक्टिव केसों में आई कमी। देश में 24 घंटे में 14,03,000 से ज्यादा टीकाकरण, अब तक 190 करोड़ 99 लाख टीकाकरण।
पाकिस्तान के कराची शहर में बीती रात जोरदार धमाका, कराची के व्यस्त बाजार में हुआ ब्लास्ट। धमाके में कई गाड़ियों के परखचे उड़े, होटल्स और मकानों के शीशे भी टूटे। धमाके से कई कारों में लगी आग, कुछ दोपहिया वाहन भी चपेट में आए। धमाके में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की गाड़ी में सवार लोग बाल बाल बचे। ब्लास्ट में किया गया रिमोट का इस्तेमाल, बम रखने से बड़ी साजिश का अंदेशा।